बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा चटखारा बर्गर बंद बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करेंगे, जिसको आप सिर्फ एक पाव चिकन से झटपट फटाफट से रेडी कर सकते हैं। इस टेस्टी से चिकन बर्गर बंद को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया। देखें, सबसे पहले इस टेस्टी से बर्गर को बनाने के लिए एक पैन को रखेंगे चूल्हे के ऊपर। डाल देंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। आप ऑयल की जगह मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो डाल देंगे 1 टीस्पून फ्रेश क्रश किया हुआ लहसुन। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। लहसुन हल्का सा लाइट गोल्डन हो चुका है तो डाल देंगे लंबाई में कटा हुआ 1 पाव चिकन, जिसको लेकर मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इसको लंबाई में इस तरह से कटिंग कर लिया था। अब हम चिकन को लहसुन के साथ 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यकीन माने, ये चिकन बर्गर बाद इतने ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। आप अपने बच्चों को बनाकर देंगे ना तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप इस बर्गर बंद को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। सिर्फ 1 पाव चिकन से आप बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर बंद घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। देखें, चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। देखें, पानी ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। 1 टीस्पून डाल देंगे चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च। 1/2 टीस्पून डाल देंगे नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 पिंच के बराबर डाल देंगे काली मिर्च। अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स करेंगे। 2 मिनट चिकन को नमक मिर्च के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम बर्गर बंद को और भी चटपटा टेस्टी बनाने के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस और डाल देंगे 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस और 1 टीस्पून डाल देंगे सिरका। आप सिरके की जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे हमारे बर्गर बंद बहुत ही ज़्यादा चटपटे और टेस्टी बनकर रेडी होंगे। सारे मिर्च मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम डाल देंगे 1 मीडियम प्याज, लेकर मैंने इस तरह से लंबाई में कटिंग कर लिया था। प्याज को चिकन के साथ 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो डाल देंगे 1 शिमला मिर्च को लेकर मैंने लंबाई में इस तरह से कटिंग कर लिया था और 1 बड़ा टमाटर लेकर उसके बीज निकाल कर कटिंग कर लिया था। टमाटर और शिमला मिर्च को भी चिकन के अंदर मिला लेंगे। हमने शिमला मिर्च और टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसको हल्का सा 1-1/2 मिनट के लिए पकाएंगे। चिकन बर्गर को और भी टेस्टी बनाने के लिए डाल देंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। अगर डालेंगे तो बर्गर ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। चीज़ डालने से बर्गर बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और क्रीमी बनकर रेडी होते हैं। बच्चों को आपको पता ही है, चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अब हम चीज़ डालकर 1-1/2 मिनट के लिए पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। देखिए, चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। 1 तवे को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसको गर्म होने देंगे। अब हम 1 ब्रश की मदद से अच्छी तरह से चारों तरफ तवे के ऊपर ऑयल लगा देंगे। आप ऑयल की जगह घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लेंगे बर्गर, जहाँ पर मैं लंबे वाले बर्गर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास गोल वाले बर्गर हों तो आप वो भी ले सकते हैं। बर्गरों को मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। इस तरह सारे बर्गरों को तवे के ऊपर रख देंगे। जब एक साइड से हल्का सा कलर आ जाए तो हम साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हल्का सा कलर आने तक पकाएंगे। बर्गरों को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकने के बाद अब हम बर्गरों को अपनी प्लेट के अंदर रख लेंगे। इसी तरह बाकी के सारे बर्गर बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम बर्गरों को बनाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉस बनाएंगे। 1 बाउल के अंदर डाल देंगे 4 खाने के चम्मच मायोनीज। मायोनीज डालने के बाद अब हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच टमाटो केचप। 1 खाने का चम्मच डाल देंगे मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1 स्पून की मदद से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डाल देंगे 2 पिंच नमक। हसबे जायका डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सॉस बनकर रेडी हो जाएगी। सॉस को पैकिंग बैग के अंदर डाल लेंगे और अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 बड़ी सी ट्रे लेंगे और ट्रे के अंदर बर्गरों की उल्टी साइड को रखेंगे।
इतनी सी फीलिंग से आप 4 से 5 बर्गर बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हम बर्गरों के ऊपर सबसे पहले सॉस को लगाएंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से सॉस को कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। बर्गरों के ऊपर सॉस को लगाने के बाद अब हम लगाएंगे बारीक कटी की हुई बंद गोभी। बंद गोभी भी अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। बंद गोभी लगाने के बाद अब हम चिकन वाली फीलिंग को लगाएंगे। खूब भर भर के लगाएंगे। इतनी सी फीलिंग से हमारे 4 से 5 बर्गर आराम से बनकर रेडी हो जाएंगे। सारे बर्गरों के ऊपर फीलिंग को लगाने के बाद अब हम ऊपर से दोबारा से सॉस को लगाएंगे। यकीन माने ये बर्गर बंद इतने ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं, आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा। ये बनते ही इतने ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। देखिए, सारे बर्गरों के ऊपर हमने अच्छी तरह से सॉस को लगा दिया। अब बर्गरों के ऊपर वाली साइड को ऊपर रखेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, देखने में ही ये कितने ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं। देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आप इस बर्गर को बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं। तो माशाल्लाह से तैयार हैं बहुत ही ज़बरदस्त चटपटे चटखारा चिकन बर्गर। उम्मीद है कि आपको जी आज की हमारी ज़बरदस्त बर्गर की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।